हेलो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर सिक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स टुडे वी डिस्कस अबाउट द फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स इन लोअर क्लासेस आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ाया गया था तो इसको थोड़ा हम रिवाइज करेंगे एग्जाम्पल प्राइम फैक्टर ऑफ थ्री ट्वेंटी फोर यदि हमको एक थ्री ट्वेंटी फोर एक नंबर गिवन है और उसका हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको मालूम ही है टू थ्री फाइव सेवेन इलेवन थर्टीन एंड सो ऑन ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तो कभी भी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते समय हमेशा सबसे छोटे प्राइम से हम स्टार्ट करते हैं और जो गिवन नंबर है उसको छोटे प्राइम से डिवाइड करना शुरू करते हैं और इस तरीके से जब तक वन नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड करते हैं और फिर जो जिस जिन नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो सारे नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम गिवन नंबर को लिख सकते हैं और दिस इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर हाँ तो इसके वर्टिकल मेथड हम लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं देखिए यदि हमको थ्री ट्वेंटी फ़ोर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हम थ्री ट्वेंटी फोर को सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर टू से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो हमारा गिवन नंबर यदि इवन नंबर होगा तो उसको टू से डेफिनेटली डिवाइड होगा तो हम प्राइम टू का यूज़ करेंगे तो थ्ण थ्ण थ्री ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू वन सिक्सटी टू यदि हम थ्री ट्वेंटी फोर को और टू से डिवाइड करें तो हमको वन सिक्सटी टू वैल्यू आएगी अब वन सिक्सटी टू ऑल इवन नंबर है सो तो इसको हम फिर से टू से डिवाइड करेंगे तो टू टू एट जो सिक्सटीन टू वन जै टू तो एट्टी वन आंसर आएगा और 81 एट्टी वन नंबर नहीं है तो फिर अब हम उसको टू से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम लेंगे थ्री तो थ्री से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ट्वेंटी सेवन आंसर आएगा अब ट्वेंटी सेवन को अगेन हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं नाइन एंड थ्री नाइन को थ्री से डिवाइड करके थ्री आएगा थ्री ने, न, को थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा ओके तो इस तरीके से हम वर्टिकल मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे देखिए थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फोर का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा ये जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है उनका मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं थ्री ट्वेंटी फोर इज इक्ल्स टू थ्री ट्वेंटी फोर इज इक्ल्स टू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ओके okay, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि टू और टू का एक एक पेयर बन गया थ्री और थ्री के साथ उसका पेयर बन गया और थ्री मतलब यदि हमको थ्री ट्वेंटी फोर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि हम जो नंबर गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स में हर एक प्राइम खुद से पेयर बना रहा है कि नहीं थ्री और टू और थ्री का पेयर नहीं बनेगा हमको पेयर बनाना है टू और टू का ही पेयर बनाना है थ्री और थ्री का ही पेयर मतलब यदि कोई प्राइम गिवन है तो उसका उसी प्राइम के साथ हमको पेयर मिल रहा है कि नहीं वो हमको पहले डिसाइड करना है अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी नंबर सभी प्राइम्स के यहाँ पेयर फॉर्म हो रहे हैं टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री हियर ऑल प्राइम्स इन ए पेयर ऑफ इट्सल्फ हर एक प्राइम खुद के पेयर के फॉर्म में है इसीलिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं अब यदि दोनों साइड हम इसका स्क्वायर रूट ले लें hmm, तो uh, यदि हम दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ट्वेंटी फोर इजिकल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर दैट मींस टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो अब यदि हम किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर लाना चाहते हैं तो उसके पेयर में से एक बाहर आता है तो टू इंटू टू में से एक टू बाहर, बाहर आ गया और थ्री इंटू थ्री का एक थ्री बाहर आ गया और थ्री इंटू थ्री का एक थ्री बाहर मतलब यदि हम स्क्वायर रूट का साइन जो है यहाँ से हटाना चाहते हैं ये स्क्वायर रूट का साइन यदि हम हटाना चाहते हैं तो पेयर में से एक एक हमको बाहर लाना पड़ेगा ओके okay, तो थ्री ट्वेंटी फोर अंडर उड थ्री ट्वेंटी फोर इजिकल्स टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री सो अंडर उड थ्री ट्वेंटी फोर इजिकल्स टू एटीन तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम स्क्र रूट फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay? और एक एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करेंगे सपोज गिवन नंबर इज टू फिफ्टी सिक्स यदि हमको कोई नंबर टू फिफ्टी सिक्स गिवन है यदि उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो टू फिफ्टी सिक्स ईवन नंबर है इसको टू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी वन ट्वेंटी एट वन ट्वेंटी एट को अगेन टू से डिवाइड करेंगे सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को टू से डिवाइड करेंगे थर्टी टू थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू सिक्सटीन सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू एट टू डिवाइडेड बाई एट एट डिवाइडेड बाई टू फोर एंड फोर डिवाइडेड बाई टू टू एंड टू डिवाइडेड बाई टू वन तो इस तरीके से वन टू फिफ्टी सिक्स के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए uh, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एट टाइम्स टू का मल्टीप्लीकेशन ओके तो टू फिफ्टी सिक्स इज़ इजिक्वल्स टू टू इंटू टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू मतलब टू टू के एट एट टाइम्स टू का मल्टीप्लीकेशन मीन्स टू टू के फोर पेयर्स बन गए यदि हमको स्क्वायर रूट लेना है तो दोनों साइड यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे हाँ तो ये जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट यदि हम लेंगे तो पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटीन ओके तो अभी से अब हम एग्जाम्पल फोर टेक्सट बुक का डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फोर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड अब हमको सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फ्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यदि हम सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इसको टू से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड अब थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू एट हंड्रेड एट हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू टू हंड्रेड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी एंड फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी फाइव अब ट्वेंटी फाइव ऑड नंबर आ गया तो हम उसको टू से नहीं डिवाइड कर सकते हैं. तो प्राइम थ्री से चेक करेंगे प्राइम थ्री से भी डिवाइड नहीं होता फिर नेक्स्ट प्राइम फाइव फाइव, फाइव से डिवाइड करेंगे तो फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन ज़ा फाइव तो इस तरीके से सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड के प्राइम फैक्टर्स में एट टाइम्स टू और टू टाइम्स फाइव है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इजिक्वल्स टू टू इंटू टू टू इंटू टू टू इंटू टू टू इंटू टू फाइव इंटू फाइव ओके okay, तो अब यहाँ पे टू और फाइव दो, दोनों प्राइम के पेयर्स हैं इसीलिए हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं तो दोनों साइड यदि हम स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ़ सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इजिकल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो प्राइम फैक्टर्स के स्क्वायर रूट मतलब अभी अब यदि हमको स्क्वायर रूट हटाना है तो पेयर में का पेयर प्राइम्स का एक एक प्राइम बाहर हम ले लेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव ठीक है तो सो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड का स्क्वायर रूट वैल्यू एट्टी एट्टी आ जाएगी ओके तो इस तरीके से हम नंबर्स uh, के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं तो और स्क्वायर रूट उसी नंबर्स के हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं ओके तो अब यदि हमको डिसाइड करना है कि यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके हम डिसाइड कर सकते हैं यदि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स के प्राइम्स पेयर के फॉर्म में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है और यदि पेयर के फॉर्म में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल फाइव है एग्जाम्पल फाइव इज नाइन्टी ए परफेक्ट स्क्वायर नाइन्टी परफेक्ट स्क्वायर है क्या तो उसके सोल्यूशन में पहले हम गिवन नंबर नाइन्टी लिखेंगे देन बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन नाइन्टी का प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे नाइन्टी डिवाइडेड बाई टू देट मीन्स फोर्टी फाइव अब फोर्टी फाइव ऑड नंबर है तो हम उसको थ्री से डिवाइड करके फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री फाइव एंड फाइव डिवाइडेड बाई फाइव वन तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नाइन्टी इज इक्वल्स टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे तीन प्राइम है टू थ्री एंड फाइव और तीनों प्राइम में से सिर्फ प्राइम थ्री पेयर के फॉर्म में है और प्राइम टू और फाइव आपने अपने पेयर के फॉर्म में नहीं है सो वी कैन राइट हियर ओनली प्राइम थ्री अकर्स इन अ पेयर प्राइम थ्री अकर्स इन अ पेयर बट प्राइम टू एंड फाइव डू नॉट अकर इन अ पेयर प्राइम टू और फाइव पेयर के फॉर्म में नहीं है प्राइम थ्री है देयर फोर नाइन्टी इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक प्राइम उसके पेयर के फॉर्म में होना चाहिए यदि एक भी पेयर के फॉर्म में नहीं होगा प्राइम तो उसको वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा सो नाइन्टी इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से भी हम परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर डिसाइड करने की बहुत सारी मेथड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखी है अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं ओके okay? अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर वन है वट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मतलब ये हमको कुछ नंबर्स दिए हैं उसके नंबर्स के वंस डिजिट वंस डिजिट मीन्स वंस मीन्स यूनिट डिजिट वंस डिज़िट मीन्स यूनिट डिजिट ओके तो हमको जो नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट uh, से हमको डिसाइड करना है कि उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है पॉसिबल यूनिट डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं ओके okay. तो हम नंबर uh, uh, का स्क्वायर फाइंड आउट करते समय हमने पॉसिबल यूनिट डिजिट देखे थे अब उसी का रिवर्स हमारा स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा इसको इस क्वेश्चन को हम एक टेबल के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं देखिए मैंने एक टेबल फॉर्म किया है Exercise 6.3, what could be the possible ones digit of the follow of the square root of the each of the following numbers? to so, solution mein hum teen column kar lenge pehle serial number, given number, unit digit of given number and unit digit of square root। Okay, तब यदि हमको given number 9801 given है, तो इस, इसका unit digit है one। Okay, तब अब हम कौन सा number ऐसा होगा जिसका last digit multiply करने से हमको one मिलेगा? मतलब इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होगी उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वन मिलेगा तो यहाँ देखिए यदि यह हम नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड वन का स्क्वायर रूट यदि निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जो मिलेगा उसके उसका यूनिट डिजिट एक तो वन होगा एक तो नाइन होगा क्यों क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है और नाइन का स्क्वायर एट्टी वन मीन्स नाइन के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट वन होता है तो मतलब स्क्वायर नंबर जिस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट वन है उसका स्क्वायर रूट उसका यूनिट डिजिट वन और नाइन होना चाहिए ओके सिमिलरली इफ़ नंबर इज गिवन नाइंटी नाइन थाउजेंड एट फिफ्टी सिक्स यूनिट डिजिट इज सिक्स अब ऐसे कौन से नंबर से जिनको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सिक्स मिलेगा वो स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट हो सकते हैं देयर फोर द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट की बजाय यहाँ पे करेक्शन कीजिए यहाँ पे लिखिए पॉसिबल पॉसिबल वर्ड पॉसिबल यूनिट डिजिट ओके हाँ पॉसिबल वर्ड क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में नाइन एट जीरो वन का यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट वन भी हो सकता है नाइन भी हो सकता है हमने एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि वन ही होगा या नाइन ही होगा ठीक है तो पॉसिबल यूनिट डिजिट है इसीलिए हम इसको पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट लिखेंगे ओके तो यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट सिक्स है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट फोर या सिक्स होना चाहिए क्योंकि फोर इंटू फोर सिक्सटीन यूनिट डिजिट सिक्स होता है और सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स के भी एंडिंग में सिक्स आते है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर इज गिवन नाइन नाइन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड वन इसका यूनिट डिजिट वन है तो इसके भी स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में वन और नाइन होना चाहिए ठीक है अब लास्ट नंबर जो गिवन है उसका यूनिट डिजिट फाइव है तो हमको मालूम है फाइव को फाइव से ही मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फाइव मीन्स यूनिट डिजिट फाइव आता है तो इस, इस स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में डेफिनेटली फाइव ही आएगा ओके तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर सकते हैं ना अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन नंबर टू विदाउट डूइंग विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड दंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमको जो नंबर्स गिवन हैं उनको देख के सिर्फ किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन ना करके सिर्फ देख के हमको डिसाइड करना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स इस ये इस, मैं इसको बिन बिना कैलकुलेशन के डिसाइड करना हमने एक्सरसाइज वन में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर में देखा है वी नो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर इफ़ ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट टू थ्री सेवन और एट देन इट इज़ नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर हमने ये प्रॉपर्टी देखी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट एंड विथ द डिज़िट टू थ्री सेवन और एट मतलब यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट में टू थ्री सेवन एट नहीं होंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं वन फिफ्टी थ्री में भी यूनिट डिजिट थ्री है टू फिफ्टी सेवन का यूनिट डिजिट सेवन है फोर हंड्रेड एट का यूनिट डिजिट एट है तो ये तीनों नंबर परफेक्टली डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे फोर फोर्टी वन इट्स मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओके तो ये प्रॉपर्टी लिख दीजिए और उसको हम उससे डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड एंड वन सिक्सटी नाइन बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हमने डिस्कस किया था उसी मैथ को यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इसमें हमको टोटल टेन क्वेश्चन है इसमें से दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ओके क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द स्क्वायर रूट बाई फैक्टराइजेशन मैथड क्वेश्चन नंबर फोर का फिफ्थ पार्ट गिवन नंबर सेवन थाउजेंड सेवन फोर्टी फोर सबसे पहले हमको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से यदि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो पहले हमको प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वन सेवन थाउजेंड सेवन सेवेंटी फोर सेवन थाउजेंड सेवन सेवेंटी फोर इवन नंबर है तो टू से डिवाइड होगा डिवाइडेड बाई टू वी गेट थ्री थाउजेंड एट सेवेंटी टू अब थ्री थाउजेंड एट सेवेंटी टू को टू से डिवाइड करेंगे तो वन थाउजेंड नाइन थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू नाइन सिक्सटी एट डिवाइडेड बाई टू फोर फो फोर एट्टी फोर डिवाइडेड बाई टू टू फोर्टी टू एंड अगेन डिवाइडेड बाई टू वन ट्वेंटी वन अब यहाँ पे वन ट्वेंटी वन ऑड नंबर आ गया तो टू से डिवाइड नहीं होगा हम नेक्स्ट थ्री से ट्राई करेंगे थ्री से भी नहीं होगा हाँ वन ट्वेंटी वन के एंडिंग में फ़ाइव नहीं है तो फाइव से डिवाइड होगा ही नहीं होगा फ़ाइव और जीरो होगा तभी वो हो फ़ाइव से डिवाइड होगा नेक्स्ट सेवन सेवन से हम डिवाइड करेंगे उससे भी नहीं होगा हमको मालूम है वन ट्वेंटी वन इलेवन का स्क्वायर है देन इलेवन से डिवाइड करेंगे तो इलेवन आएगा इलेवन वन जिलेवन सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेवन थाउजेंड सेवन फोर्टी फोर इज टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू इलेवन इंटू इलेवन मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू प्राइम टू के तीन पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं और इलेवन का एक पेयर फॉर्म हो रहा है ओके तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट यदि ले लें तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हटाने के लिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हटाने के लिए पेयर में से एक एक बाहर ले लेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू इलेवन टू इंटू टू इंटू टू एट एट इंटू इलेवन एटी एट सो द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ सेवन थाउजेंड सेवन फोर्टी फोर इज इक्वल्स टू एटी एट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थाउजेंड टू सिक्सटीन नाइन थाउजेंड टू सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू से यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट डिवाइड करते समय टू फोर ज़ा नाइन सॉरी टू फोर ज़ा एट नाइन में से एट गया वन बचा ट्वेल्व हो गया टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व अब उसके बाद हमने वन लिखा तो वन को पहले जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आ, आ, उसके बाद ही हम सिक्सटीन लिख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स नाइन टू वन सिक्स इसको यदि हम टू से डिवाइड करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट इसका टू से डिवीजन का आंसर लिखते हैं फोर सिक्स एट डायरेक्टरी फोर सिक्स एट लिखते हैं जो कि रॉन्ग है ठीक है बीच में ज़ीरो आना चाहिए इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका लिया है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट

सो नौ नाइन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री एंड थ्री डिवाइडेड बाई थ्री वन तो इस तरीके से वन आने तक हमने उसको डिवाइड किया अब यहाँ देखिए टू कितने बार आए हैं तो चार पाँच छः सात दस टेन टाइम्स टू का मल्टीप्लीकेशन है और टू टाइम्स थ्री का मल्टीप्लीकेशन है ओके तो नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन इजिकल्स टू टू इंटू टू टू इंटू 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 थ्री इंटू थ्री अब दोनों साइड यदि हम स्क्वायर रूट ले लें हाँ अब ये हम दोनों साइड यदि स्क्वायर रूट ले लें तो ल, ल, लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट साइड का जो स्क्वायर रूट है उसको हटाने के लिए पेयर में से एक एक हमको बाहर लेना पड़ेगा दैट मीन्स फाइव टाइम्स टू इंटू थ्री फाइव टाइम्स टू का मल्टीप्लीकेशन इंटू टू थ्री टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन इज इक्वल्स टू नाइनटी सिक्स तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस uh, य, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको <coughs> ये दोनों क्वेश्चन की हेल्प मिलेगी बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ओके okay? ना अब हम एग्जाम्पल सिक्स लेंगे टेक्स्ट बुक का <coughs> इज टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू ए परफेक्ट स्क्वायर इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर हमको क्या क्वेश्चन में क्या गीवन है कि टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका हमको न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ओके ना सॉल्यूशन गिवन नंबर टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू अभी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा और देखने पड़ेंगे कि सभी प्राइम नंबर्स के पेयर्स है कि नहीं ओके टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई टू वन थाउजेंड वन सेवेंटी सिक्स वन थाउजेंड वन सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई टू फाइव एट्टी एट फाइव एट डिवाइडेड बाई टू टू नाइन्टी फोर टू नाइन्टी फोर डिवाइडेड बाई टू वन फोर्टी सेवन अब वन फोर्टी सेवन ऑड नंबर है टू तो से डिवाइड नहीं होगा तो सपोज हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन फोर्टी सेवन डिवाइडेड बाई थ्री फोर्टी नाइन 49 फोर्टी नाइन सेवन से डिवाइड होगा सेवन सेवन जर फोर्टी नाइन सेवन वन जर सेवन तो यहाँ पे टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन तब हम यहाँ देख रहे हैं टू के दो पेयर्स बन गए प्राइम के और सेवन का एक पेयर बना और थ्री प्राइम का पेयर नहीं है ठीक है तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू प्राइम थ्री डज नॉट अकर इन अ पेयर देअर फोर टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे प्राइम थ्री को पेयर नहीं है इसीलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इफ़ वी मल्टीप्लाई टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू बाई थ्री यदि हम इस नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो इसके टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू के प्राइम फैक्टर में एक और थ्री बढ़ जाएगा देन ऑल द प्राइम्स हैव पेयर्स फिर सभी प्राइम्स के पेयर मिल जाएंगे एंड वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ठीक है ना यदि हम टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और इस उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी प्राइम्स के पेयर बन जाएंगे देआर फोर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमको जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल चाहिए था वो क्या है थ्री ये हमारा आंसर हो गया एंड uh, अब हमको uh, जो न्यू नंबर है वो फाइंड आउट करना है तो टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर मिलेगा देट मींस टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन थ्री से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे थ्री का भी पेयर बन गया सो सेवन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी टू इंटू थ्री कितना हो गया सेवन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स इसमें सभी प्राइम्स के पेयर हैं तो ये हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं अभी यदि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे देन राइट साइड में पेयर में से एक एक बाहर होगा टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन सो स्क्वायर रूट ऑफ सेवन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स इज इक्वल्स टू एट्टी फोर तो यहाँ पर हमारा न्यू नंबर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है सेवन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स और उसका स्क्वायर रूट कितना है एट्टी फोर ओके तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है इस एग्जाम्पल पे बेस हमको एक्सरसाइज uh, में क्वेश्चन गिवन है अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे यहाँ देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ क्वेश्चन नंबर फाइव में हमको क्या गिवन है देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड

अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओके तो अब हमको ये जो नंबर्स गिवन है ये नंबर्स को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमको जो क्वेश्चन आएगा मतलब जो उस डिवाइड करने पे जो भागाकार आएगा वो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए ठीक है और उस क्वेश्चन का हमको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है तब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल को देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ओके ओके यहाँ देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेवन हमने लिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन मतलब हमको एक नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट ये नंबर किससे डिवाइड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम इसको ये नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये पहले हम डिसाइड करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नाइन थाउजेंड फोर का प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए यहाँ पर टू कितनी बार आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स टू आया है थ्री वन टाइम आया है और सेवन टू टाइम्स है तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट इजिक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन तो यहाँ हम देख रहे हैं इन अबो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम थ्री डज़ नॉट इन ए पेयर प्राइम थ्री का पेयर नहीं है देयर फोर नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ओके तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा जब एक तो थ्री का मल्टीपल चाहिए ले आए या फिर उसको हटा दें तो हमको यहाँ पे डिवाइड बोला है तो यदि हम गिवन नंबर को यदि थ्री से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वेश्चन आएगा दिस विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर जो क्वेश्चन मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा देअर फोर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट डिवाइजर तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट डिवाइजर कितना है थ्री सो नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट डिवाइडेड बाई थ्री नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट डिवाइडेड बाई थ्री इजिकल्स टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन डिवाइडेड बाई थ्री तो ये थ्री और थ्री कैंसिल हो गया तो और नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट को थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स इज इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन इंटू सेवन मतलब थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी प्राइम्स के पेयर हैं सो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो इसका हम स्क्वायर रूट यदि निकालेंगे तो राइट साइड के नंबर्स में पेयर में से एक बाहर आ जाएगा सो वन थ्री थाउजेंड वन थर्टी सिक्स के स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन दैट मीन्स फिफ्टी सिक्स सो द स्क्वायर रूट ऑफ थ्री थाउजेंड वन थर्टी सिक्स इजिकल्स टू फिफ्टी सिक्स तब यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन मीन्स पर न्यू नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है थ्री थाउजेंड वन थर्टी सिक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स फिफ्टी सिक्स ओके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सॉल्व करेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिक्स तक आपको करना है ओके थैंक यू